प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। थ्रेडिंग हो या फिर अपर लिप्स हो, फोरहेड हो, आप कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं। आईब्रोज को तो आप प्लकर से कर लोगे, मगर अपर लिप्स को थोड़े ना ऐसे करोगे। इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप घर पे थ्रेड के साथ कैसे इसको कैसे अपने ये हेयर को रिमूव कर सकते हो। इसलिए हमें दो चीजों की जरूरत है, पहली है ये धागा और दूसरा है ये पाउडर। कोई भी पाउडर आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला थ्रेड नहीं है, अगर आप पहली बार इसे ट्राई कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ये नॉर्मल वाला, ये जो कपड़े सीने वाला धागा होता है, इसको लीजिए। ये क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है, इससे जो कट लगने का डर है वो बिल्कुल कम होता है, ना के बराबर होता है। अब हमें करना क्या है, मैं इसे कर लेती हूँ, इसलिए मैं यही वाला धागा जो है वो यूज कर रही हूँ। आपने इतना सा लेना है, इतना सा लेके इसको फोल्ड कर लेना है, मतलब इसका डबल ले लेना है। अब आपने इसको यहां से नोट लगा लेना है एक, और फिर आपने पाउडर को जहां पे भी आपने थ्रेडिंग करनी है वहां पे आप इसे पाउडर को लगा लीजिए। जैसे मैं आपको अपर लिप्स पे करके दिखा रही हूं, नॉर्मल आपने पाउडर लगा लिया। और अब इसे ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे पकड़ के इसको चार बार घुमाना है, 1 2 3 4, ये ऐसे चलने लगे, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी उस जगह को टाइट करेंगे जहां पे हमने थ्रेड चलाना है। अब मैंने अपर लिप्स पे पाउडर लगाया है, तो मैं इसको टाइट करूंगी टंग के साथ, जैसे हम पार्लर्स में करते ही हैं। इसको हमने टाइट किया ऐसे, और ये वाले साइड को इसके ऊपर रखना है ताकि जो हेयर है इसमें आ जाए, और इसके साथ हमने इसको खींचना है। ये देखिए, ऐसे करके ऐसे कर देना, ये बहुत इजी है। मैं आपको करके दिखाती हूं अपने अपर लिप्स, जब आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपकी पेन होगी आपको पता चलेगा कि ये मतलब पेन, हल्की सी पेन होगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो आपके हेयर है वो निकल रहे हैं। आप इस वाले एरिया को भी टाइट कर लीजिए, और यहां से भी आप हेयर रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने फोरहेड पे भी कर सकते हैं, चिन एरिया पे भी कर सकते हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको कितनी पेन हो रही है, उस तरीके से आप अपने थ्रेड को चलाओगे। तो ये है आसान सा तरीका, और मैं ये कहती हूँ कि आप इसे सीधा अपर लिप्स पे मत ट्राई करना, इसे आप पैर पे पहले इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप इस पे लगा, फिर आप अपर लिप्स पे ट्राई करना, या फिर फोरहेड पे, या फिर आप चिन एरिया पे इसमें आप ट्राई करना। ये बहुत ईजी तरीका है, और इससे आप कभी भी अपने जो थ्रेडिंग है, या फिर अपने अपर लिप्स हैं, या आपका फोरहेड है, ये कभी भी आप इसके हेयर जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।